हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता बस मिलेगी। डियर, आज का जो वीडियो है, अभी की जो वीडियो है, मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे दूर होकर खुश है या खुश है या कुछ नाराजगी है, ठीक है। और मैं देखना चाहती हूँ क्या ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, प्यार की नई शुरुआत चाहते हैं आपके पार्टनर। तो चलिए डियर, मैं यहाँ देखती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे दूर होकर कितना खुश हैं और कितना वो आपसे दूर होकर दुखी हैं और ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है डियर। तो क्या उनकी करेंट एनर्जी है? डियर, मैं यहाँ पास्ट फ्यूचर भी देखूंगी और प्रेजेंट भी देखूंगी, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है डियर, आपके पार्टनर की और आपकी भी डियर, ठीक है। अब चलिए, यहाँ ये कैंडल वैक्स रीडिंग है डियर, ठीक है। ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। तो वीडियो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, नहीं करता उसे जाने दीजिए डियर, ठीक है। बट आप लोग पॉजिटिव रहिए। चलिए डियर, मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, पास्ट में आपके साथ क्या किया, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर आपके साथ क्या है डियर। तो चलिए पॉजिटिव रहे और अपने पार्टनर के बारे में सोचे, ठीक है। उनका नाम लें, उनके बारे में सोचे, ठीक है डियर। पहले ही कुछ कैंडल आवाज हो रही है डियर, इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज तो है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में, उनके लाइफ में। चलिए एंजल्स गाइड, चलिए डियर, देखिए आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, पास्ट में आपके साथ क्या किया, प्रेजेंट में क्या उनकी फीलिंग्स है, फ्यूचर आपके साथ क्या है। तो चलिए डियर, इंचेस गाइड कीजिएगा। देखिए अभी तो करंट एनर्जी ही मुझे दिख रही है, आवाज देख रहे हो आप कैंडल का, दुखी दुखी मन मेरे, सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। आपके पर्सन उबे हुए दिख रहे हैं, जहां है जैसे भी है परेशान है ये इंसान प्रेजेंट में। देखिए डियर, पास्ट की बात की जाए तो ये पर्सन से आपको बहुत उम्मीदें थे, बहुत उम्मीदें थी, बहुत उम्मीद, अनकंडीशनल लव था, बहुत सारा प्यार था। लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी किया उसको आप समझ रहे हो, आपसे धोखा दिया, आपसे चीट किया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी गलती इनकी थी डियर, ठीक है। पास्ट में इनकी गलती थी, अचानक से आपको छोड़ कर गए, मूव ऑन कर दिया, आपको दर्द पेन में छोड़ दिया। उस दर्द पेन में आप बहुत तड़पे हो, बहुत रोए हो, तो यहाँ पे आपके पर्सन से आज भी उम्मीद लगा के आप बैठे हो। आज भी बहुत उम्मीदें हैं आपको इस पर्सन से, इतने दर्द इतने पेन में आपको वो छोड़ कर गए बिना बताए बिना बोले। कहीं ना कहीं थोड़ा, देखिए डियर, गलती तो इन्होंने की, दर्द दिया, पेन दिया, लेकिन क्यों दिया ये आपको जानना होगा, क्यों दिया डियर। उस वक्त आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे, आपसे चीटिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे थे, कभी नहीं। उस वक्त उनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिस वजह से आपके पर्सन ने दूरियां बढ़ाई। आपको अंदर से इस पर्सन ने बहुत चोट पहुंचाई, बहुत दर्द पहुंचाया, ऐसा आप सोच रहे हो, हुआ भी है आपके साथ। इस पर्सन को मैंने इतना कुछ दिया लेकिन मेरे साथ चीटिंग किया। हाँ, थोड़ा धोखा इसको कह सकते हैं, चीटिंग कह सकते हैं, बिना बताए आपको ये छोड़ कर गए, क्योंकि डियर ये बेहद प्यार करते थे, आपसे दूर जाना नहीं चाहते थे। लेकिन सोसाइटी, समाज, फैमिली, कास्ट, पेरेंट्स, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स इनको ऊपर बर्डन की तरफ प्रेशर देने लगी डियर, और ये इस तरफ बंध गए डियर, ये खुद को बांध लिया। आपको पता है बार बार आप बोलते हो दर्द दिया, चोट दिया, मुझे बहुत पेन दिया, लेकिन फिर भी इस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन आप पास्ट में आपके साथ ऐसा किया लेकिन उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, प्यार तब भी था, प्यार अब भी है डियर,
लेकिन कुछ दुनिया बनाई, बर्डन, प्रेशर, थर्ड पार्टी, सोसाइटी, फैमिली, कास्ट इशू, इस वजह से आपके पर्सन ने दुनिया बनाई। कुछ के लिए करियर बहुत ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन अच्छी फाइनेंस नहीं, ग्रोथ नहीं, हर तरह से आपके पर्सन टूट चुके थे। ठीक है डियर। अचानक से टावर मूवमेंट आया डियर आपके लाइफ में और आपके पर्सन आपसे दुनिया बनाई। बहुत प्यार था, जानबूझकर इन्होंने नहीं किया डियर। ठीक है, ये होना था, टावर मूवमेंट आना था और ये हुआ डियर। लेकिन प्यार अनकंडीशनल था, है डियर। ठीक है, आज भी प्रेजेंट में है, बस मजबूरियों के पीछे ये दबे हुए हैं डियर। बोला ना, फैमिली, थर्ड पार्टी इशू, यही वजह है डियर, दुनिया का यही वजह है। कुछ के लिए करियर है, हो सकता है डियर किसी के पार्टनर अपने फैमिली पे ही वो डिपेंड हो, उनकी अच्छी जॉब ना हो, करियर ना हो, अच्छे पैसे ना हो, और इस वजह से भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। प्रेजेंट में भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ना उनका अच्छा करियर है, ना अच्छी फाइनेंस है। कुछ के लिए डियर, ठीक है, कुछ के लिए पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, और पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बहुत दबाव पड़ रहा है इस इंसान के ऊपर, फैमिली प्रेशर बहुत है, पास्ट में भी था डियर, प्रेजेंट में भी यही हो रहा है। आपके पर्सन के ऊपर बहुत दबाव है, बहुत प्रेशर है और ये बहुत टूट चुके हैं डियर। जिम्मेदारी निभाते निभाते अब ये थक गए हैं। इन देखिए डियर, देखा जाए तो ये इंसान दिल के बूढ़े नहीं है, स्वाभिमानी जरूर है, ईगोइस्टिक है, बट ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत बखूबी निभाते हैं। फैमिली, परिवार, पेरेंट्स, हर लोग को ये बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। फैमिली, परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी, फाइनेंस, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, और सबसे पहले अपनी फैमिली को देखते हैं, अपना करियर को देखते हैं। लेकिन आपके लिए एक जगह है, वहां कोई भी नहीं पहुंच सकता है डियर। ठीक है, आपके पर्सन प्रेजेंट में भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं और यह आपको पूरी लाइफ के लिए अपनाना भी चाहते हैं। आपसे दूर होकर ये इंसान खुश न थे न है, बिल्कुल नहीं है डियर। ठीक है, आज भी प्रेजेंट में भी आपके पर्सन के ऊपर बहुत दबाव है, प्रेशर, लेकिन ये अब थक चुके हैं डियर। जितना परिवार इम्पोर्टेंट कल भी था, आज भी है, लेकिन सबको ये देख रहे हैं, जिन जिन लोगों ने आपसे दुनिया बनवाई है सबको ये देख रहे हैं, इनकी खुशी कहाँ है और इस खुशी से दूर किया जिन लोगों ने, ये सबको आपके पार्टनर देख रहे हैं और पहचान रहे हैं, जान रहे हैं आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, ये उन्हें पता है। आज प्रेजेंट में ये इंसान थका हुआ, हारा हुआ इंसान खुद को समझ रहे हैं, बहुत अधूरापन, बहुत ही अकेलापन। स्टेबल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा ये कोशिश कर रहे हैं और अच्छी स्टेबल लाइफ आपको भी देना चाहते हैं। शायद आपसे इन्होंने कभी बोला ना हो, क्योंकि ये बात छुपाते भी हैं, अपनी हैसियत, अपनी औकात में रह के ही ये बात करते हैं डियर। ये दिखावा भले ही करते हैं, ईगो, मैं ये हूं वो हूं, लेकिन अंदर से ये इंसान टूट चुके हैं। क्योंकि देखिए डियर, आप उनके काउंटर पार्ट हो, ठीक है, सोलमेट जर्नी में आपके सोलमेट हैं, तो आप उनके अंदर की बात जानते हैं, ये वो बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए ये दुनिया बनाते हैं कि आप हर कुछ समझ जाते हो, जान जाते हो। ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना आपके पर्सन आपसे थोड़ा दूरी बनाते हैं, लेकिन तब भी प्यार था, अब भी प्यार उतना ही है डियर। डिस्टेंस ये है कि अब इन भी जिन्होंने आपसे दुनिया बनाई, सबकी पहचान उन्हें हो रही है और ये सबको देख रहे हैं कि कौन इनके साथ क्या कर रहा है। लेकिन आज भी करियर, फाइनेंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है डियर। इनकी अच्छी करियर नहीं है, अच्छी फाइनेंस की ग्रोथ नहीं हो रही है और ये कहीं ना कहीं कुछ के पार्टनर अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट है, इस वजह से थोड़ा दुखी है। कमिटमेंट देना चाहते हैं, मन में दबाव है, प्यार अनकंडीशनल है डियर। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट में आपके पार्टनर खुश नहीं है, लेकिन न्यू शुरुआत चाहते हैं इस रिश्ते की, दिल से डियर। आपको देखना है सामने से, ऐसी उनकी एनर्जी है। इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे डियर कि अभी इनकी अच्छी करियर नहीं है, अच्छे स्टेबल नहीं है। देखिए डियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये थोड़ा बंधे हुए हैं, हो सकता है ये मैरिड भी हो, ठीक है, पेरेंट्स भी हो, बच्चे भी हो, ऐसी भी एनर्जी है। दबाव तो आज भी है डियर आपके पार्टनर के ऊपर।
इन दूरियों को अब ये कम करना चाहते हैं डियर। यहाँ पे न्यू शुरुआत दिल से चाहते हैं, प्यार की शुरुआत चाहते हैं, खुशियां देखते हैं आपके साथ, फैमिली देखते हैं आपके साथ, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है डियर कि आपने ही दुनिया अब बना ली है? उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि आप बदल रहे हो, आपने दुनिया बना ली है। उन्हें ऐसा अंदर से एहसास होता है क्योंकि इंसान अब हार चुका है, ठीक है, शो नहीं करता है। क्योंकि ये इंसान जो है, मेल हो फीमेल हो डियर, शो नहीं करते हैं कि मैं टूटा हुआ हूं, हारा हुआ हूं। ये कुछ भी होगा डियर, ये शो कभी भी नहीं करेंगे। सिर्फ आप इनको पहचान सकते हो तो सिर्फ आप, और दूसरा तीसरा इन्हें कोई नहीं पहचान सकता है। क्योंकि ये इंसान अभी बहुत थका हुआ, हारा हुआ है, सबसे अलग, सबसे दूर। बस इनकी नजर उन पर है डियर कि जिस जिसने आप दोनों को एक दूसरे से दूर किया, ये सबको देख रहे हैं, जान रहे हैं और पहचान रहे हैं। प्रेजेंट में ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा आपको स्पाई भी करते हैं डियर। जो भी इन्होंने पास्ट में किया, इन्हें गिल्ट हो रहा है, अफसोस हो रहा है डियर, ठीक है। पछतावे की एनर्जी बहुत ज्यादा है, डर भी है आपको खोने का, ठीक है डियर। मजबूर बहुत हैं, समय ठीक नहीं चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, आपके पर्सन के साथ अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है डियर। लेकिन आपको जीवन साथी के रूप में आज भी देखते हैं डियर। पास्ट में जो भी किया उस वक्त आप धोखा कह सकते हो, लेकिन उस वक्त भी प्यार था, मजबूरी थी, परेशानियां थी, प्रेशर पड़ा और आपसे इन्होंने दूरियां बनाई, क्योंकि टावर मूवमेंट आना था डियर, ठीक है, इस वजह से। लेकिन तब भी था प्यार, अब भी है। ये अभी आपको जीवन साथी के रूप में देखते हैं डियर, और आगे भी आपके लिए बहुत ज्यादा फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट में देखा जाए तो इंसान बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, लेकिन शो नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपने आप को दुखी दिखाना, परेशान दिखाना, बेचारा दिखाना, बेचारी दिखानी, ये इन्हें पसंद नहीं है। कोई इनको कुछ बोल नहीं सकता है, ये छुपाते बहुत हैं डियर, क्योंकि इनको ईगो भी है, स्टबन भी है, सोसाइटी समाज में नेम फेम भी हो सकता है, अच्छे पोस्ट पर भी हो सकते हैं। इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली की अच्छी थोड़ी सोसाइटी में नेम फेम हो डियर, ऐसी भी एनर्जी है, तो थोड़ा इनको अहम भी है, ठीक है। थोड़ा सा ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड ये, ब्रांडेड वो, गाड़ी में चलना, शौक बहुत है इनके, तो ये सब मैनेज करके चलते हैं, दिखाते भी है डियर, और इनमें इनकी सारी परेशानियां छुप जाती है। लेकिन सिर्फ एक आप हो, एक एनर्जी बताती है कि इनकी हालात क्या है डियर। ये बहुत दुखी इंसान है, बहुत थक गया इंसान, प्रेशर, हेडेक, टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज्यादा आपके पर्सन को हो रहा है। करियर, अच्छी फाइनेंस ना होने से बहुत टेंशन में है। किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा तो प्रॉब्लम है, आप साथ में नहीं हो तो प्रॉब्लम है। सपने आपके साथ देखे हैं फ्यूचर में, उसके लिए तैयारियां करना चाहते हैं तो इन्हें कोई हेल्प नहीं कर रहा है, अच्छी स्टेबल लाइफ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, उसका गिल्ट है इन्हें। आपको इन्होंने कुछ नहीं दिया, उनका अफसोस है इन्हें। लेकिन फ्यूचर देखा जाए डियर, तो ये जो रिश्ता आपका टूटा है, ठीक है, जो भी पास्ट में रिश्ता टूटा है, प्रेजेंट में ये दुखी हैं, सोच रहे हैं, लेकिन फ्यूचर देखा जाए तो जो भी रिश्ता टूटा है डियर, ठीक है, यहाँ पे ये न्यू बिगिनिंग की शुरुआत होगी डियर, ठीक है। यहाँ रिश्ता टूटा है लेकिन गॉड की ब्लेसिंग है कि ये रिश्ते की शुरुआत तो होगी डियर, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है इस रिश्ते की शुरुआत होगी, बस आप लोग बैलेंस में रहें। और ये देखिए डियर, आपके साथ फैमिली देखते हैं, ठीक है, फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, सपने हैं आपके साथ। उन्होंने पास्ट में भी सपना देखा था, ठीक है, बहुत प्लानिंग की थी, सपना टूटा, ये फिर से आपके बारे में सपना देख रहे हैं, फ्यूचर, फैमिली, हैप्पी होम का, जीवन साथी का आपके साथ डियर, प्यार की शुरुआत, खुशियां आपके साथ, नई शुरुआत और खुशियां आपके साथ देख रहे हैं डियर। बहुत विश्वास आप नहीं करोगे डियर, जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूं ना, ये दिल से कि इतना प्यार है कि ये इंसान आपको खुलकर बोल नहीं रहा, इजहार नहीं कर रहा है, लेकिन ये टूट चुका है, हार चुका, आपको बहुत स्पाइक करता है, बहुत स्पाइक करती है। जो भी है, मतलब सोने से पहले आपके फोटो को देखना, आपकी आवाज को सुनना, आपको स्पाइक करना, आप क्या कर रहे हो डियर। ये आज कल की एनर्जी में डियर, ये पर्सन रोए भी है डियर, और ऐसी एनर्जी आज भी कंट्रोल ये करेंगे डियर, लेकिन यह रोने की भी एनर्जी है, तड़पने की एनर्जी है, अकेलापन है डियर,
और आपके बिताए हुए पल को ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं डियर, और ये नई शुरुआत चाहते हैं। इस प्यार की नई शुरुआत होगी डियर, बहुत जल्द मुझे दिख रहा है ये प्यार की शुरुआत होगी, क्योंकि प्रेशर इनका बढ़ रहा है, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग है डियर। ठीक है, यहाँ डिवाइन की ब्लेसिंग लग रही है, क्योंकि आपके साथ फैमिली देख रहे हैं, हैप्पी होम देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, बच्चे, फैमिली, पूरा लाइफ आपके साथ देख रहे हैं। लेकिन खुद को कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका अंदर से जो विल पावर है ना, स्टेबिलिटी, मनी, फाइनेंस के वजह से ये थोड़ा रोक रहे डियर। लेकिन दिल से ये शुरुआत चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं। फ्यूचर आपके साथ है डियर। ठीक है, यहाँ फ्यूचर आपके साथ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। बस आप लोग अपना हिम्मत बढ़ाइए और उनकी अंदर के विल पावर को आप ही बढ़ा सकते हो, आप ही उनको हील कर सकते हो डियर, आप ही हील कर सकते हो। तो देखिए आपके पार्टनर एक मतलब अंदर से जल रहे, तड़प रहे हैं। ठीक है, ये तड़प रहा है इंसान, तो ये आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं डियर। आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे लग रहा है जैसे इनका सपना टूट गया डियर, अब क्या होगा। लेकिन यहाँ पे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, ये इंसान आपके लिए कभी भी गलत नहीं समझा। हाँ, इन्होंने पास्ट में कुछ गलतियां की है, उनकी सजा आज इनको मिल रही है। आपके साथ जो भी किया इनको आज सजा मिल रही है, ये सोच रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं और प्यार की नई शुरुआत कर रहे हैं। ये आपसे दूर होकर खुश नहीं है डियर, बस आज भी सपने आप ही के साथ देख रहे हैं। ये कहीं से निकलना चाहते हैं डियर, ये बंधा हुआ फील कर रहे हैं। प्रेशर, बर्डन, दुख, परेशानी, डिप्रेशन, टेंशन, नींद नहीं आना, करवटें बदलना, तड़पना, ये आपके पर्सन बहुत ज्यादा कर रहे हैं डियर। इनकी दिल की आवाज है डियर, दर्द देकर मैं खुश नहीं हूं, आज उसी दर्द से मैं गुजर रहा हूं, मुझे माफ करना अगर मैं तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा तुम्हें महसूस हो रहा है, तो मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स थी जो मैंने तुम्हें छोड़ा, प्रेशर था, बहुत बर्डन था, मैं टूट गया था, आज मैं टूटा हुआ हूं, तुम जैसे लग रहा मैं तुम्हें हार चुका हूं, लेकिन मैं गॉड से बहुत प्रेयर करता हूं, तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूं, एक नई शुरुआत चाहता हूं प्यार की, मैं बहुत दुखी हूं, तुमसे दूर होकर मैं खुश नहीं हूं, एक पल, एक सेकंड के लिए भी मैं तुमसे दूर होकर खुश नहीं हूं। तो डियर यहां मुझे लग रहा है, मैं साइन भी बता देती हूं, मुझे साइन जो दिख रहे हैं, सेजिटेरियस मुझे दिख रहे हैं डियर, कैप्रिकॉन दिख रहे हैं, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, एरिस, जेमिनाई, कैंसर, लिब्रा, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, लियो, जेमिनाई, कैंसर, ये साइन मुझे दिख रहे हैं डियर। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा मुझे डेट भी, टाइम भी कुछ ऐसे दिखाई दे रहे डियर। ठीक है, आप लोग के लिए 2, 3, 4, ठीक है, कुछ के लिए 3, 4 है, 2, 3, 2, 3, ठीक है डियर, किसी के लिए 9 हो सकता है डियर, किसी के लिए 10 हो सकता है। ठीक है, 9, 10, 2, 4 मुझे दिख रहे हैं डियर। ठीक है, ये समय डेट आपके लिए कुछ खास हो सकता है डियर, 9, 10, 2 ये सब आपके लिए खास हो सकता है डियर। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, एक दिन भी ऐसा नहीं कि आपको इन्होंने मिस नहीं किया, बस वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं डियर और नई शुरुआत चाहते हैं। बहुत जल्द आप लोग की न्यू बिगिनिंग होगी डियर। ठीक है, बस आप लोग बैलेंस में रहें। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहे हैं, लेकिन इनके दिल की आरजू है कि एक बार आमने सामने से ये बात करें, आमने सामने होकर हिम्मत जुटा रहे बात करें, और एक बार डियर इनको गले लगाने की चाहत है, उन्हें पता है माफ कर दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं डर है कि आप बदल गए हो, आपने दुनिया बना ली, इस बात का डर है इस इंसान को, लेकिन प्यार बहुत है। इन्होंने चीटिंग, आप सोचो कि चीटिंग की है, हाँ उस वक्त की थी जो आपसे उन्होंने धोखा दिया, चीट किया और अचानक से चले गए, क्योंकि थर्ड पार्टी हो या कुछ भी हो, आता ही है टावर मूवमेंट डियर कि आप दोनों अलग हो जाओ,
ये जानबूझकर नहीं किया जाता है, ये डिवाइन की प्लानिंग होती है आप दोनों को अलग करने का, ताकि आप एक दूसरे से दूर होकर आप अब एक दूसरे की वैल्यू कर सको, अहमियत को समझो, अपनी अपनी कदर करो कि सच में सच्चा प्यार क्या होता है। तब आप अपने ऊपर काम करते हो, स्पिरिचुअल होते जाते हो, मैनिफेस्ट करते हो, अपनी शक्ति से अपने पार्टनर को हीलिंग सेंड करते हो। इतनी पावर आप में आ जाती है कि आप अपनी एनर्जी यिंग और यांग को, सी बॉक्स शक्ति को बैलेंस करते हो और फिर अपने पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। जैसे आपकी बैलेंस होती है, आपके पार्टनर आपके लाइफ में आते हैं डियर, ठीक है। लेकिन आपको तब भी अपने आप को हील करते हुए खुद पर काम करना है, अपने लिए भी करना है, सोसाइटी के लिए भी करना है, सबके लिए कुछ अच्छा करना है, सबके लिए अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, ठीक है। अपने ऊपर भी फोकस करना है, अपनी हीलिंग करनी है, ठीक है डियर। तो चलिए डियर, आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर खुश कभी नहीं थे, ना है ना है ना है ना है डियर, ठीक है ना है, मैंने क्या बोला, अभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है, बस रास्ते थोड़ी सी अलग हो गए थे, बट प्यार उतना ही है, अनकंडीशनल लव है, ठीक है। आप प्लीज स्टेबल लाइफ देख रहे हैं, बहुत जल्द आपकी तरफ आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं डियर, तो प्लीज आप अपने ऊपर फोकस ज्यादा करें, तब भी एक्शन लेंगे डियर। तो चलिए डियर, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगती तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा डियर। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। लेकिन डियर आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो, प्लीज लाइक कर दिया करो, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ठीक है। तो आप एक लाइक जरूर करो डियर, ऐसा थोड़ी कि जब रेजोनेट करता है तो ही हम लाइक करेंगे, दिल खुश होता है तभी लाइक करेंगे, मेरी मैं मुझे भी तो थोड़ा खुश करो, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।